हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए ब्लॉग पे। और आज मैं जा रहा हूँ चपोरा फोर्ट। वैसे प्लान तो था आज आरंबोल बीच जाएंगे, बट टाइम की वजह से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वीक जाएंगे अब आरंबोल बीच। और मेरे साथ में आए मेरे एक फ्रेंड, वो भी ब्लॉग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जगह गाइस जानी पहचानी है, इसमें मैं इससे पहले दो बार आ चुका हूँ और मेरा फर्स्ट ब्लॉग भी इसी लोकेशन पे शूट हुआ था। ओके, ये है गाइज अपना फ्रेंड सत्यम, सत्यम ब्लॉग। और आज हम दोनों ब्लॉग करेंगे साथ में। बिल्कुल भाई, हम लोग जाने, एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे आरंबोल बीच, लेकिन हम लोग हो गए लेट। हमारा प्लान बना नहीं, चलो आज सापोरा फोर्ट एक भी बार नहीं गया हूँ मैं, तो ये भाई साहब मुझे घुमाने सापोरा फोर्ट लाए, मैं चलो मैं भी ब्लॉग करता हूँ आज। तो मेरे प्लानर का नाम है सत्यम ब्लॉग, आप सब्सक्राइब कर लेना गाइज इनको भी, और खूब सारा प्यार देना इनके चैनल को जल्दी से ग्रोथ हो सके। और ये देख सकते हैं आप गाइज, ये है रास्ता और यहाँ पे कार पार्किंग है। काफ़ी ज़्यादा रश है गाइज, लास्ट टाइम आया था तो बिल्कुल रश नहीं था यहाँ पे, और इस बार आप देख सकते हैं पूरी रोड भरी हुई है। ये सब आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। अभी कितना ऊपर चढ़ना है? अभी कम से कम है 500 मीटर, 500 मीटर की चढ़ाई है। ये देख सकते हैं गाइस आप, इतने खूबसूरत लगते हैं। कैसे लगते हैं? ये बहुत प्यारा लगता है यार, देखने में मज़ा आ जाता है ना, ये सब बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको यहाँ पे लेदर बैग मिल जाएंगे, सब कैमल लेदर है। हम लोग के कॉलेज में पहले मेला लगता रहा है भाई। ये मस्त, ये बताओ अभी की शॉप है वो साइड बैग कितने वाला? ये वाले, ये वाले 950। गाइस कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये भाई ऑनर है शॉप के, कितना बोला? 950। चलो ये भाई ट्राई बड़ा महंगा था लेकिन गाइस, भुट्टा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, भुट्टा का आनंद ले सकते हैं। कटप्पा नारियल पानी, ये गाइस कटप्पा नारियल पानी। तो गाइस यहाँ से हमारी, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है अपना चपोरा फोर्ट के लिए। गाइस ये है अपना सापोरा फोर्ट, जो छपोरा फोर्ट जो है उसका फट जाती है चढ़ने में। अभी बहुत धूप है गाइस, तो है भाई फटती है ना, बिल्कुल फटती है, निकल के फटी हुई है कह रहे हैं। और यहाँ देखिए गाइस, यार मनोज भाई बहुत ऊपर है यार, ऐसे ऐसे चढ़ गया ना, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? शॉर्टकट ऐसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, और मर जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी सुबह पहुंचते हैं, उसके बाद कैमरा ऑन करते हैं, फिर होगा हमारा फोटो शूट। हाँ यार, थोड़ा गोवा दिख रहा है, ये थर्मोकोल इधर देखो, इधर दिख रहे हैं ऐसे ही बॉक्स। अच्छा, इसको अंदर हीट रखना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर मैंने लाइट फिट की है ना, 100 वाट वाला, 100 बहुत हो जाता है जब ढक्कन बंद करते हैं ना। ये देखिए गाइस सीन, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, एक सीन दिखाऊं आपको जी। और वो पीछे देख सकते हैं गाइस, पूरे नारियल के पेड़ है गाइस, ये सब आप देख रहे जो यहाँ पर, ये जो पूरी ग्रीन चीजें दिख रही हैं, और सामने में है गाइस अंजुना बीच जो आप सामने में देख रहे हो। मौसम का हाल कुछ इस प्रकार का है गाइस, ऊपर यहाँ से जाएंगे, चलो चलते हैं ऊपर। पता नहीं गाइस अभी कैसा आ रहा होगा कैमरे में, पूरी सनलाइट आ रही है सामने से। अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं यहाँ से ऐसे करके है गाइस ऊपर। अच्छा,
जिसने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा पूरा। पहले पता होता ना इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग है ना, मैं तैयारी कर जा रहा है। चलिए देख ले, यहाँ से देख सकते हैं आप गाइस, ये दिख रहा है पूरा पॉट देने रे पीपल बीच है सन पीपल। ये इधर है चपोरा बीच है इसके नीचे, पर उधर कोई ज्यादा नहीं है, शांत है इसके नीचे। क्यों ब्लॉक क्यों? हाँ कोना कोना शांति है। ये देखो भाई हम इतना ऊपर पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा बाकी है गाइस, आप देख सकते हैं चढ़ना यार, इधर से 50 मीटर दूर है। टिकट विकट नहीं लगता ना? नहीं, तो चपोरा फोर्ट पे जो है टिकट नहीं लगता, और बस इतना ही है कि 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है अंदर। अच्छा, और अगर हम आगवाजा फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ है 15-25 रुपये कुछ तो टिकट लगता है वहाँ पर, लेकिन अभी ये चीज़ ठीक है, चले जाए पता नहीं कब यहाँ पे टिकट जमा शुरू हो जाए। हाँ भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है गाइस, चलो अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ का मेन गेट है, ये यहाँ पे नोटिस लगा रखा है, देखो टाइमिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा गाइस, ये है नोटिस आप देख सकते हैं। ओके तो हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे, क्या मस्त लग रहा है यार गाइज, देख सकते हैं आप। अभी मैं बिल्कुल सेंटर पे हूँ चपोरा फोर्ट के, यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइज क्राउड, ओके गाइज यहीं पर तो ना पहले थे, मैं कौन दिखती ये है गाइज डब्लू होटल, आप देख सकते हैं पूरे अपार्टमेंट यहाँ पे हैं, और सामने देख सकते हैं आप बागातर बीच। और यहाँ पे आप भीड़ देख ही रहे हैं, क्या गजब की भीड़ हो रही है, अभी अच्छी खासी धूप है फिर भी, और गर्मी भी काफी अच्छी है। पोपट हो गया गाइस हमारा, बहुत बड़ा वाला पोपट, देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम मतलब। ओके ये भाई अभी एडवेंचर के मोड पे, देख सकते हैं आप, हालांकि दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा फिर भी परछाई देख सकते हैं आप। आपके भले ही है ना, नहीं तो आगे आप ही गाली दोगे कि यार तुम लोग बताए नहीं, पूरा धूप पूरा दिन खराब हो जाएगा, खराब हो बस यही चीज बता रहा हूँ सच्चाई जो यहाँ पे फील कर रहे हैं फिलहाल, कुछ नहीं है यार। साइकिलिंग की थी आप, वो मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो बारिश के टाइम में वहाँ पर मैं उस पहाड़ी पे की थी, आप जाके देख लेना साइकिलिंग वाला आगे तो टाइम पास है पूरा, किसी काम का नहीं है, मत आना यहाँ। नवंबर में आ सकते हो थोड़ा,
थोड़ा धूप धूप लेने के लिए। क्या रहा है व्यू, जगह भी दिखावे की है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं वाला सीन है ना, पर इसमें थोड़ा ये ऐसे सैड से ये बन जाता ना। हाँ। थोड़ा शॉप्स वगैरह, हाँ, कुछ खाने पीने कुछ नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा धूप लगता साला, एक पेड़ भी नहीं है, दूर दूर के ढोल सुहाने होते हैं वही वाला सीन है ना, दिल चाहता है पता नहीं क्या क्या चाहता है यहाँ पे। गाइस कैसा लग रहा है ब्लॉग में आपको कमेंट में जरूर बताना, और कैसा लगा ये चपोरा फोर्ट जो कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे उसका बता देना आप, एंड क्राउड देख सकते हैं आप, शांत क्राउड है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, ऊपर चढ़ने का मौका मिल, हाँ इधर से रास्ता। ओके इधर से चढ़ेंगे ऊपर हम, ये है गाइस रास्ता, राइट थोड़ा सही जगह, तो हम देख सकते हैं आप कितने टॉप पे चढ़ गए अभी, सन देख सकते हैं आप, अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो 2% अच्छी जगह पे पहुंचे हैं अभी तक, 98% ये देखिए गाइस सामने का व्यू देखिए गाइस क्या जबरदस्त आ रहा है, पूरा ग्रीनरी है और सामने है मोरजी बीच और मेरे पीछे है सत्यन। चपोरा फोर्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है ये देख सकते हैं आप गाइस, इनका चैनल जरूर सपोर्ट करना सत्यन ब्लॉग, और गाइस चेहरा देख सकते हैं आप बिल्कुल काला आ रहा है और पूरा पसीना हो गया, गाइस मेरा चैनल का नाम है न्यू WM, आपको गोवा के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, फिलहाल ये चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे किधर बढ़ेंगे, वो नीचे जाएंगे इधर इधर शूट हुआ था ये सामने में ये सॉन्ग, अच्छा उधर से उधर जाओगे ना तब पता चलेगा आपको अगर आपने देखा है तो, ये वो जगह है गाइस जहाँ पे कोई नहीं आता है, इधर से नहीं चढ़ पाएंगे हम, पीछे से उस तरफ से रास्ता है, सामने का व्यू देख सकते हैं आप गाइस क्या जबरदस्त, और सामने है पूरा बीच मोरजिम बीच है गाइस सामने थोड़ा आपको, हाँ ये है मोरजिम बीच गाइस, इधर जाने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, वो पीछे साइड से, हाँ नहीं भाई ये देख लो ये है मोरजिम बीच, जाएंगे कभी शायद अगले हफ्ते, वो मैप में दिख रहा था ना शायद ये यही इसका ही ब्रिज दिख रहा था शायद, वो उस आगे होगा ब्रिज, हाँ आरंबोल और एक तो बीच असीम बीच और एक बीच है, सब सब लाइन से, हाँ ये पट्टी में पूरा ये 4 बीच शायद है, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों आप लोग बने रहना, ब्लॉगों की बारिश होने वाली गाइस, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है गाइस, ये सत्यम मेरा फ्रेंड, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ मजा नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं आपको मजा आ रहा है, मैंने सजेस्ट किया था इनको ये बीच मतलब सॉरी ये चोपड़ा फोर्ट
नहीं अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि मैं बोर हो जाऊँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है, बैठने की जगह नहीं, कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं, तो शायद भूख लग गई। सनसेट के बाद अगर आते हैं ना तो बढ़िया मज़ेदार है। ओके ये राय है इनकी। सनसेट के बाद अगर आते हैं सनसेट के बाद तो थोड़ा ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी देख रहे हो धूप है कुछ, हाँ धूप काफ़ी चढ़ी हुई है कुछ काम कर, बाकी वैसा नहीं है, जगह ठीक नहीं है, अच्छी जगह है, लोग हैं, भीड़ है, अच्छी है, तभी तो आ रहे भाई साहब यहाँ ब्लॉग करने वाले हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, बिल्कुल इनके चैनल एंड लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, बिल्कुल बिल्कुल भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई को यार, अब मुझे भी करते रहना बराबर, आपको इससे भी नेक्स्ट लेवल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अभी हमारा ये ट्रायल चल रहा है गाइस, और आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। थोड़ा आगे, थोड़ा सा अभी धक्का मुक्की हुई तो गाइस बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, देख सकते हैं आप जगह कितनी रिस्की जगह है गाइस, देख सकते हैं नीचे खाई है पूरी। ठीक है हम ढूंढ रहे रास्ता, वो सत्यम भाई तो पहुंच गए नीचे और मैं रह गया पीछे, कोई ना अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। थोड़ा ओवरव्यू दिखा देते हैं गाइस आप लोग को चोपड़ा फोर्ट का, बहुत ही डेंजरस रास्ता है गाइस, और धूप ने हमारा खेल खराब कर दिया आज, नहीं तो बहुत ही अच्छा फोटेज आता। ओके इधर से रास्ता, मैं तो फंस गया उधर ही। ऑलराइट ऊपर चलते हैं, ये थोड़ा सा ठीक जगह है और हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे मैं रहूँ या ना रहूँ, सॉन्ग का शूटिंग हुआ था बस जस्ट आने वाला है, मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा ब्लॉग जरूर रहेगा गाइज यूट्यूब पे। ये है गाइज चपोरा फोर्ट, पूरा ओवरव्यू, बिल्कुल सेंटर में हूं अभी मैं, और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घर को। उम्मीद है गाइज आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने खूब अच्छे से इंजॉय किया होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग अच्छा लगे तो, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अरे सीन देखना भाई गाइज क्या लग रहा है, क्या व्यू है गाइज, अमेजिंग गाइज, आप देख सकते हैं ओ भाई, फ़ोटो भी मस्त आता है यार अगर खींचे तो। ओके गाइज अभी वक्त हो चुका है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द आपको एक नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेल देम बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।